खबरदार होशियार, मजीद 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मयारी करार। ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट जारी। क्यों जूरन बैग वॉटर फॉर इंजेक्शन गैर मयारी करार। सस्पेंशन यूनिट सीरप डॉक्टर टूथ सस्पेंशन एस एंड टॉप सीरप वैक्सीन में एथिलीन ग्लाइकोल की मोहलिक मकदार मौजूद। 9 हर्बल अद्वियात में एलोपैथिक इज्जा पाए गए। गैर मयारी अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने की हिदायत। जुनूबी पंजाब के मसीहाओं ने मरीजों की सुन ली। निष्ठा अस्पताल मुल्तान, शेख सैद अस्पताल रहीमिया खान में हड़ताल खत्म। मुल्तान में 13 और रहीमिया खान में 10 रोज बाद हड़ताल खत्म हुई। बहावलपुर विक्टोरिया और सादिक अस्पताल बहावलपुर में 8 रोज बाद काम का फिर से आगाज। इलाज की सहूलत बहाल होने पर मरीजों ने सुख का सांस लिया। कायम मकाम वाइस चांसलर असातिज़ा की तरक्की और तायिनाती नहीं कर सकेंगे। लाहौर समेत 25 जामियात में कायम मकाम वाइस चांसलर के इख्तियारात महदूद। गवर्नर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 25 अरब रुपए से जायद फंड्स मंजूर। मुल्तान सरगोधा और बुरेवाला की स्कीमें भी शामिल। 50 अरब से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 5वीं जमात तक के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का बजट सेशन से खिताब। सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट और टीएचक्यू अस्पताल को अपग्रेड और लैपटॉप टीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहा खिदमत का शर्फ हर एक के नसीब में नहीं। पंजाब असेंबली का बजट इजलास। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर 11 एमपीएस की रुकनियत मौतल। लेयर से 2 मेंबरान असेंबली उसामा गुजर कर्नल श्रेफ की रुकनियत भी मौतल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी की कयादत में वफद की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर का कहना था कि गवर्नर और मयार तालीम में बेहतरी लाना अव्वलीन तरजीह है। एक्सल लोड मैनेजमेंट एक्ट नामंजूर। सबसे सर्वे में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। स्टोन क्रेशन इंडस्ट्री क्रैश। कमिश्नर का मुजाहरीन के मुतालबात मानने से इंकार। एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 20,000 मजदूर बेरोजगार। महकमे सोशल वेलफेयर मुल्तान सहूलियात की फराहमी में नाकाम। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी 2 साल बाद भी फाल ना हो सकी। मुसहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात और इंजेक्शन फराहम ना किए जा सके। रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू ना हो सका। एलपीजी माफिया बेलगाम। जनूबी पंजाब भर में रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी। गली कूचों में मौत का धंधा और उस पर मामूली जुर्माने के बाद अगले ही रोज प्वाइंट खुल जाते हैं। शहरियों का सख्त एक्शन का मुतालबा। कार्रवाइयों के बावजूद रिफिलिंग जारी है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर ने तस्लीम कर लिया। तरेंद्र मोहम्मद तना में बिजली बंदिश शहरियों के लिए दर्द सर। शहर में 8 देहात में 10 घंटे लोड शेडिंग। कारोबार मुतासर। दुकानदारों के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। बिजली होती नहीं और बिलों ने जीना महाल कर रखा है। शहरियों की दुहाई। वाजिबात की अदम अदायगी पर कायदाबाद में रेलवे फाटक बंद। महकमा हाईवे ने रेलवे को 3.10 बिलियन रुपए देने हैं। हाईवे के मुताबिक फंड की अदम दस्तयाबी से मुश्किल हैं। हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। शहरियों का मुतालबा। बिजली बिलों में होशुबा टैक्सेस। ताजरों का सख्त रद्द अमल। मुल्कगीर एहतजाज के लिए मुशावरत जारी। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बावलपुर सैयद इसार शाह कहते हैं कारोबारी इंडस्ट्री का गला घोंट दिया गया है। महंगी बिजली नामंजूर। खानेवाल में मरकजी मुस्लिम लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली सस्ती ना करने पर एहतजाज का ऐलान। जिला जनरल सेक्रेटरी हाफिज मुनव्वर गुजर का कहना था कि लोग घरेलू सामान बेचकर बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर हैं। बिजली चोरों और नादिहंगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जनूबी पंजाब में मेपको सेफ्टी टीमें मुतहरिक।
एक रोड से 102 बिजली चोर पकड़ लिए, 92 लाख रुपए जुर्माना। नादी हंसार से 3 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर। उधर मुबैशिना गौसर पर लाइन सुप्रिंटेंडेंट सब डिवीजन नोडल ऑफिसर। मुल्तान में जुराइम पेशा अनासिर की शामत, 3 गैंग के 18 कारिंदे गिरफ्तार। 50 लाख रुपए से जायद मालियत का माले मसरूका और असलहा बरामद। सीपीओ का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से 39 मुकदमात ट्रेस हुए। मुल्तान में गिराव फरोशी अरूज पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। अदरक 750, लहसुन 450 और प्याज 150 रुपए किलो। आम की मुख्तलिफ इकसाम 240 से 280 रुपए फी किलो। चेरी 800, खुबानी 320 और जामुन 300 रुपए किलो। जनूबी पंजाब के आम जायके में बेमिसाल चौंसा लंगड़ा अंदर अटोल की दुनिया भर में अलग पहचान। अहमदपुर शिलकिया में 40 से 50% पैदावार में कमी। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब बीमारियां हमलावर हुई। जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, सरसोदा और खानपुर में भी पारा 41 डिग्री रहा। आज बहावलपुर और खानेवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे कामी पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी। पंजाब के 11 अजला में अहदेदारों का ऐलान। बावलपुर रहीमिया खान बिहाड़ी, खानेवाल के अहदेदार मुंतखब। सदर पंजाब राणा नजीर अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने का वाकया। बहावलपुर के अस्पतालों की सिविल डिफेंस से इंस्पेक्शन का फैसला। फायर पार्टी के हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और सिविल डिफेंस के दरमियान 3 साल के लिए मुआहदा तय। लोधा में इंसदाद पोलियो की खसूसी मुहिम का अफ्तताह। मजमू तौर पर 1,69,046 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 614 मोबाइल, 28 टेस्ट स्टॉल, 14 ट्रांसफर टीमें ताजिना, 30 UCMO और 121 एरिया इंचार्ज मॉनिटरिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी मुजफ्फरगढ़ का इजलास। ADC रेवेन्यू आबिदा फरीद ने सदारत की। मॉनसून में 40% से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। मुमकिन सैलाब के खतरे से निपटने के लिए प्लान बनाने की हिदायत। डीसी मुल्तान की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास। कारकर्दगी बेहतर करने का अल्टीमेटम। अशियाए फुरोनोश की आवेजा नीखों पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हीरा फिरोशों जखेरा दोस्तों को गिरफ्तार करने की हिदायत। डीसी खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी का दौरा सनलसा। तामीर की जाने वाली इमारत का माना। डिप्टी कमिश्नर का कहना था बच्चियों को हुनरमंद बनाकर पाक शहरी बनाएंगे। फनी तालीम के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुहर्रम में क्याम अम के लिए इकदाम। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की अम कमेटी के वक्त से मीटिंग। अमन अमान के लिए मजहबी रहनुमाओं के किरदार को सराहा गया। उधर डीसी और डीएसपी कोटादू ने जलूस रूट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाले भी इंतजाम की तकमील के लिए मुतहरिक। वफाकी महतसिब बहावलपुर बासित अली खान की डहरावाला में खुली कचहरी। शहरियों ने वापचा के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अमले के नारवा सलूक का शिकवा। वफाकी महतसिब ने वापचा फर्स्ट डिवीजन का भी दौरा किया और दफ्तर की इंस्पेक्शन की। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान का खानेवाल का दौरा। कंट्रोल रूम समेत मुख्य ब्रांचेस का मुआयना। पुलिस के 4 को 24 दस्ते ने सलामी दी। एडिशनल आईजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पौधा भी लगाया। डीसी डीपीओ बहावल नगर की खुली कचहरी। सालीन की शिकायत पर फौरी अहकाम। रेवेन्यू पुलिस महकमेनहार और दीगर इदारों से मुतालिक शिकायत। सरकारी ऑफिसर सहूलियात फराहम करने के पाबंद हैं। डीसी डीपीओ की गुफ्तगू। चार
फायर प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते और कचरा चुनते पांच बच्चों को हिवासी तहरी में ले लिया। बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी। ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम। म्यूनिसिपल कमेटी और जिला काउंसिल के अमले के एहसास में खाने का अहतमाम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस समीद खान, सीओ जिला काउंसिल इफ्तिखार बंगश और सीओ सिप्तैन शाह की शिरकत। और कुल्फा गर्मी का बेहतरीन तोड़। पूरेवाला के शहरियों ने गर्मी से छुटकारे के लिए कुल्फा पॉइंट्स का रुख कर लिया। दुकानदार कहते हैं, मैं आग की वजह से शहरी यहां का रुख करते हैं।